मनाली के सरकारी बस स्टैंड स्टेट टूरिज्म वाली बस में, बढ़िया बढ़िया जगह। और ये देखिए सारी जगह की बस मनाली कुल्लू मंडी ताप जाती है। ये दिल्ली की बस थे वो वोल्वो की, और उसके बाद ये दिल्ली की बस हिमाचल परिवहन निगम, ये देखिए तो ये बस है, बस स्टैंड है। तो वेलकम बैक, हम पहुंच गए जिंग बस स्टेशन और करीब 5 बजे के आसपास हम यहाँ जिंग बस स्टेशन पहुँचे और हमारा बस का टाइमिंग था 6 बजे। फिर यहाँ पर इस लाउंज में हम अंदर गए और हमने देखा कि बहुत बढ़िया नदी का व्यू, ब्यास नदी, और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करा। थोड़ी देर बाद ही 5:30 बजे के पास आसपास हमारी बस भी आ गई और ये हमारी बस है जो हमें वापस दिल्ली की तरफ ले जाएगी। और ये देखिए हमारा बस से अंदर का व्यू, बस बहुत ही शानदार क्योंकि अभी अभी बस आई थी तो ज़्यादा सवारियां हैं नहीं इसमें, मगर ओवरऑल ये बस का व्यू है, वोल्वो 9600 है ये। और तब हमने थोड़ा वेट किया और बाहर का नज़ारों का और ये देखिए ब्यास नदी का जबरदस्त जबरदस्त फ्लो, कुछ लोग एंजॉय करते हुए वहाँ पर बस का इंतज़ार करते करते। हिमाचल के नज़ारों के बीच में से होते हुए निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। और इस बस का रूट बहुत ही सिंपल, यहाँ से कुल्लू, कुल्लू से मंडी, मंडी से सुंदरनगर, उसके बाद बड्डी, उसके बाद सीधा सीधा चंडीगढ़ की तरफ से होते हुए दिल्ली। और ये देखिए बैलूनिंग बीच में हमने देखा, मंडी से थोड़ा सा पहले की तरफ बैलूनिंग भी होती है, हॉट एयर बैलूनिंग। तो हम कंटिन्यू करते हुए अपनी यात्रा, बहुत ही बढ़िया नज़ारे। अगले 3 घंटे में हमें थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, सारा जो है हाईवे यहाँ से बह चुका था और उसके बाद ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये कहाँ से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, और ये ऑलरेडी देख रहे होंगे। इस जगह में काफ़ी बैलूनिंग और पैराग्लाइडिंग, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी दिख रही थी, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इन्जॉय कर सकते हैं अगर किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करना है तो। और जैसे मैंने दिखाया अभी दो जगह बैलूनिंग हो रही है और कुछ कुछ पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर दिख रही थी, और गर्मियों में रिवर राफ्टिंग भी होती है यहाँ पर। कुछ एक घंटा चलने के बाद हम ऑलमोस्ट कुल्लू में पहुँच चुके हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट ये कुल्लू ही है, बट कुल्लू शहर भी है। तो हम कुल्लू पहुँच गए हैं अभी, और उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे नज़ारे हैं। बट ओवरऑल जो हाईवे है यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि लास्ट ईयर जैसे बाढ़ में काफ़ी आपदा हुई यहाँ पर, मगर अभी इन्होंने नेशनल हाईवे ने काफ़ी हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये देखिए कुछ पैराग्लाइडिंग होते हुए, अभी कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मगर पैराग्लाइडिंग भी इस जगह में काफ़ी प्रोमिनेंट है जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद हम पहुंच गए हैं ढाबा, एक ब्रेक लिया है खाने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद। ये है मयूर ढाबा प्योर वेज, और हम बताते हैं खाना कैसा था। आयुष को आ रही है नहीं। राजमा चावल 300-300 रुपये का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लोगों के हिसाब से, मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक ठीक। क्या पूछ रहा है? उसके बाद खाना खाने के बाद रात हो चुकी थी और हम निकल चुके दिल्ली की तरफ। और भाइयों, वन रिक्वेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।